राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनके पिता शिबू सोरेन भी 9 सितंबर को दिल्ली गए थे। दिल्ली में सोमवार को शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे। चिकित्सकों की सलाह पर अगले 2 दिनों तक शिबू सोरेन को गहन निगरानी में रखने की बात कही गई है। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सकों से अच्छी तरह बात करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटे। वहीं सीएम सोमवार को दोपहर बाद रांची लौटे। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले भी जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसी साल फरवरी में अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मिलने काफी लोग पहुंचे थे। इसी बीच रांची के मेदांता में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।